नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडा हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। इसके पिछले एपिसोड में मैंने CUET एग्जाम PG 2024 हिंदी के लिए अप्लाई कैसे करें, परीक्षा का सिलेबस क्या है, परीक्षा का पैटर्न क्या है और किस प्रकार तैयारी करना चाहिए, इस पर मैंने चर्चा किया। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पिछले वर्ष परीक्षा का किस प्रकार का प्रश्न आया था, वो प्रश्न पत्र मैं लेकर आया हूँ। CUET PG एग्जाम जून 2023 हिंदी का यह प्रश्न पत्र मेरे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इस पर मैं चर्चा करूंगा। तो पिछले बार जो परीक्षा का पैटर्न था उसमें 25 क्वेश्चन GS रीजनिंग मैथ्स वगैरह के आते थे, उसको इस बार हटा दिया गया है। तो इस बार पिछले बार जो 100 प्रश्न था इस बार वह 75 प्रश्न रहेगा। साथ ही पिछले बार आपको 2 घंटे का समय दिया गया था तो इस बार आपको 104 मिनट का समय दिया जाएगा। और इस बार परीक्षा में 75 प्रश्न आएंगे जो पूरी तरह से डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर आधारित रहेंगे, अर्थात आपको केवल हिंदी साहित्य की तैयारी करनी है। और आपके कुल 75 प्रश्न रहेंगे, सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे, अर्थात कुल अंक आपके होंगे 300 अंक, और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट दिए जाएंगे। तो पिछला जो होता है CUET एग्जाम जून 2023, तो इसका एक प्रश्न पत्र आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन पर। तो चलिए जरा इस पर चर्चा करते हैं कि सिलेबस के आधार पर किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। किसी भी परीक्षा में क्वालिफाई करने के लिए, किसी भी परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए आपको उसका पैटर्न समझना, उसका मार्किंग स्कीम को समझना बहुत ही जरूरी होता है। साथ ही आपको रणनीति बनाकर तैयारी करनी होती है कि जो आपके सिलेबस में दिया गया है उसमें किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर आते हैं। तो ये जो पिछले वर्ष का जो प्रश्न पत्र है CUET PG एग्जाम जून 2023, इसका प्रश्न पत्र आप देख पा रहे हैं। इसका डेट था 9 जून 2023 को यह परीक्षा आयोजित की गई है और इसका जो टेस्ट का टाइमिंग था 12 PM से 2 PM दिखा रहा है। इस बार 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा, हिंदी का यह पेपर है। तो पहले जो 25 प्रश्न है वह पूरी तरह से GS रीजनिंग मैथ्स इत्यादि पर आधारित है जिसे हटा दिया गया है, तो मैं इन 25 प्रश्न पर चर्चा नहीं करूंगा, मैं 26वें प्रश्न से चालू करूंगा। तो इससे आपको परीक्षा का पैटर्न समझने में सुविधा होगी कि आपको तैयारी कैसी करनी है, क्योंकि आगे मैं आपको तैयारी तो करवाऊंगा ही। तो ये जो यहां से जो 26वां प्रश्न है यहां से हमारा प्रश्न चालू होगा हिंदी साहित्य का, बाकी जो 25 प्रश्न है उसको इस बार हटा दिया गया है। जैसे देखिए यहां पर GS का क्वेश्चन दिख रहा है 25वां प्रश्न, नीचे दिए गए कूटों में से निम्नलिखित घटनाओं के सही काल क्रमानुसार कूट को चुनिए, पूना पैक्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन, शिमला मिशन। तो यह GS का प्रश्न है जिसको हटा दिया गया है। तो हमको तैयारी करना है यहां पर हिंदी साहित्य का। तो हिंदी साहित्य के आपके कुल प्रश्न कितने आने वाले हैं, 75 प्रश्न आपके आएंगे, 75, ठीक है। आपके प्रश्न कितने रहेंगे, 75 प्रश्न आपके रहेंगे। तो ये देखिए प्रश्न संख्या 26, मैं प्रश्न आपको हल नहीं कराऊंगा, मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। यहां पर है नागरी लिपि से संबंधित सही तथ्य है, नागरी लिपि हिंदी की जो देवनागरी लिपि है उसके संबंध में सही तथ्य क्या है। तो निश्चित रूप से यह प्रयोजनमूलक हिंदी से संबंधित है जहां हम राजभाषा, राष्ट्रभाषा इत्यादि की चर्चा करते हैं। तो यह नागरी लिपि से संबंधित तथ्य है, 5 विकल्प आपको दिए गए हैं, आपको पूछा गया कि कौन कौन से विकल्प सही हैं। तो ये आप समझ गए। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है वह है 27वां प्रश्न, जन्म तिथि के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो यहां पर 5 विकल्प आपको दिए गए हैं, पंडित श्रीधर पाठक, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे, महादेवी वर्मा। तो आपको हिंदी साहित्य के इतिहास की जब आप तैयारी करेंगे तब आपको यह ध्यान में रखना है कि जन्म क्रम के हिसाब से आपको कवियों के जन्म क्रम को याद रखना है, जन्म तिथि और सन को आपको याद रखना है, कम से कम सन को आपको याद रखना है ताकि आप कवियों को सही अनुक्रम से, सही ऑर्डर से जमा सकें। तो आप जब भी इसकी तैयारी करना शुरू करेंगे आप इस बात का हमेशा ध्यान में रखें, तो कवियों का जन्म क्रम अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, उनका जन्म का वर्ष महत्वपूर्ण होता है, और 5 ऑप्शन यहां पर आपको दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, सही सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए, है ना, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है कि काव्य हेतु, काव्य लक्षण, शब्द शक्ति, काव्य प्रयोजन। तो ये सूची का मिलान करना है, यह भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित है। तो सूची मिलाने वाले प्रश्न आएंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। अगला जो प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है।
तो जब कहानी का अध्ययन आप करेंगे तब अब जो प्रसिद्ध जो कहानियां हैं उनके प्रकाशन के वर्ष को भी ध्यान में आपको रखना है। जैसे प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली, इंदुमती, उसने कहा था, तो इनका प्रकाशन का क्रम क्या है, सही ऑर्डर क्या है, तो यह परीक्षा की तैयारी आपको पता चल जाएगा कि इस पैटर्न में मुझे तैयारी करनी है। इसके बाद यहां पर आपने देखा कि यहां पर 4-5 विकल्प दिए हुए हैं, है ना, और उत्तर उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं आपको। देश के लोग किसका कहानी संग्रह है, तो जब भी आप कहानी संग्रह पढ़ रहे हैं आपको ध्यान में रखना है कि यह कहानी संग्रह किस राइटर का है, किस लेखक का है, किस कहानीकार का है। तो देश के लोग जैनेन्द्र अज्ञेय, अमरकांत मोहन राकेश। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है। इसके बाद बसेरे से दूर आत्मकथा किस साहित्यकार से संबंधित है, है ना, क्या भूलू क्या याद करूं, बसेरे से दूर, दस द्वार से सोपान तक, यह सभी हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। तो जब आत्मकथा पढ़ते हैं तो जो आत्मकथा विधा है, चाहे संस्मरण है, चाहे रेखा चित्र है, आपको ध्यान में रखना है कि यह किस साहित्यकार की आत्मकथा है, कि उनका संस्मरण है कि रेखा चित्र है। तो यह देखिए, यह आपको पता चल गया होगा कैसे आपको तैयारी करनी है इन सब चीजों का। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो यह काल है, यह व्याकरण से संबंधित है, यह भेद पूछा है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, और ये जो इसका जो PDF है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका ये जो प्रश्न पत्र का जो PDF है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी किसकी काव्य पंक्ति है, तुलसीदास, सूरदास, जायसी और कुदबन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको ये भक्ति काल के, और यहां पर ये भक्ति काल और उनका कवि है, तो इनको आपको ध्यान में रखना है कि यह किस कवि की रचना है, ठीक है, तुलसीदास, सूरदास, जायसी और कुतुबन। सूफी काव्य धारा के हैं जायसी और कुतुबन, और तुलसीदास तो राम भक्ति धारा के कवि हैं, और सूरदास कृष्ण भक्ति धारा कवि हैं, और जायसी और कुतुबन उसके कवि हैं, सूफी काव्य धारा के कवि हैं, ठीक है। तो यह ध्यान में रखना है आपको, किनकी पंक्ति है, किसकी पंक्ति है, तो पंक्तियों को ध्यान में रखना है आपको। इसके बाद 36वां जो प्रश्न है यहां पर, 37वां प्रश्न है, काव्य में असार वस्तु को दूर करने, सार ग्रहण करने तथा चारुता लाने के कारण शक्ति, वित्पत्ति और अभ्यास, ये तीनों स्थान पाते हैं, यह कथन किसका है। तो शक्ति, वित्ति और अभ्यास, तो ये जो कथन है इसको आपको ध्यान में रखना है, यह भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित है, वाग्भट, कविराज जगन्नाथ, रुद्रट और हेमचंद, यह आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद सूची एक का सूची दो से मिलान कीजिए, मतलब दोनों को आपको मिलाना है, सूची एक टेबल वन और टेबल टू में क्या है, रीतिकाल का किसने कहा है, अलंकृत काल किसने कहा है, श्रृंगार काल किसने कहा है, रीति काव्य किसने कहा है, तो जो रीति काव्य को, रीति काल को किसने किस नाम से अभिहित किया है, इसको आपको ध्यान में रखना है, किसने किस काल को क्या नाम दिया है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने मंद बुद्धि राजकुमारों को शिक्षित करने को एक काव्य प्रयोजन माना है, यह भारतीय काव्य शास्त्र का प्रश्न है, काव्य प्रयोजन, तो ये आपको ध्यान में रखना है, भरत मुनि, मम्मट, आनंदवर्धन, कुंतक, इससे आपको परीक्षा की तैयारी की एक दिशा मिल जाएगी, इसलिए अंत तक आप इसे जरूर देखें। रीतिकालीन कवि वृंद ने अपना नीति काव्य किस छंद में लिखा है, तो रीतिकाल से संबंधित यह प्रश्न है, यह प्रश्न रीतिकाल से संबंधित प्रश्न है, छप्पा कुंडलिया दोहा सोठा। मैं आपको हल नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि इस प्रकार से प्रश्न आएंगे। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास यशपाल द्वारा लिखे गए हैं, तो किसी भी राइटर के जितने भी उपन्यास हैं आपको याद कर लेना है, देशद्रोही, झूठा सच, कब तक पुकारूं, पर्दे की रानी और दिव्या, 5 ऑप्शन यहां पर दिए हैं, किसी में 4 दिए रहते हैं, किसी में 5 दिए रहते हैं। अब आपको सही उत्तर का चयन करना है, तो जब भी आप उपन्यासकार के उपन्यास का अध्ययन करते हैं तो उनके सभी उपन्यासों को आपको याद कर लेना है, साथ ही उनके प्रकाशन वर्ष को भी याद करना है, आपको ध्यान में रखना है। आपको कठिन बहुत भले लग रहा होगा लेकिन बहुत आसानी से आप चयनित हो जाएंगे, आप बहुत गंभीरता से तैयारी करते रहिए, मेरा पूरा मार्गदर्शन आपको मिलता रहेगा, लेकिन मेरे लेक्चर से आप शुरू से अंत तक जरूर देखा करिए, तभी आपको फायदा होगा। अब जयशंकर प्रसाद की कहानी ग्राम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो जब आप कहानी का अध्ययन करेंगे तब आपको देखना है कि जयशंकर प्रसाद जी की जो कहानी ग्राम है, सरस्वती, इंदु, चांद या माधुरी, इनमें से किसमें प्रकाशित हुई है। इसके बाद देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभी कथन ए के रूप में
एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है, अभिकथन मतलब एसर्शन, और दूसरा उसके कारण आर के रूप में लिखा गया है। तो यह स्टेटमेंट है और नीचे उसका कारण दिया गया है। तो आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा ए एसर्शन मतलब अभिकथन, और दूसरा उसका कारण मतलब रीजन आर, और आपको पढ़कर बताना है कि उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सत्य हैं, मतलब कथन और कारण दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या है। पहला विकल्प यह रहेगा, दूसरा विकल्प रहेगा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा विकल्प रहेगा ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, और चौथा ऑप्शन आपके पास रहेगा ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो इस प्रकार स्टेटमेंट और उसके रीजन, एसर्शन एंड उसके रीजन वाले प्रश्न भी आएंगे। इसके बाद 45वां प्रश्न है, भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी और निराला, इन तीनों लेखकों के माध्यम से किस आलोचक ने हिंदी नवजागरण का स्पष्ट नक्शा तैयार किया है। तो हिंदी नवजागरण जो आलोचना ग्रंथ है उस पर रामविलास शर्मा जी ने बताया हुआ है कि इन तीनों की रोशनी में, इन तीनों के आधार पर उन्होंने बताया कि हिंदी नवजागरण क्या है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और नामवर सिंह, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद फिर से वही आ गया, कथन, कथन एक और कथन दो। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन एक और कथन दो। पहला कथन है, कथन एक है तुलसीदास रचित कवितावली की भाषा ब्रज है, और कथन दो है तुलसीदास ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ रीति कवि हैं। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का, उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। इससे आपको पढ़ाई की दिशा मिल जाएगी। कथन ए और कथन दो दोनों सही हैं, कथन एक और कथन दो दोनों गलत हैं, कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है, कथन एक गलत है लेकिन कथन दो सही है। तो दो स्टेटमेंट दिए जाएंगे, आपको देखना है कि कौन सही है कौन गलत है ये सब। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्राकृत पैंगलम नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है, विद्याधर, शारंगधर, हरिब्रह्मा और लक्ष्मीधर। तो यह डायरेक्ट आदिकाल के, मतलब यह आदिकाल से लिया गया है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वह है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किस लेखक की कृति है। तो यह नाटक है, आपको बताना है कि इनके नाटककार कौन है, लक्ष्मीनारायण लाल, मोहन राकेश, भुवनेश्वर और सुरेंद्र वर्मा। तो यह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आपको याद करना है। और इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रेडियो नाटक के संदर्भ में सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है यह आपको पहचानना है। तो ये इस प्रकार के प्रश्न आएंगे कि कौन सा कथन सही नहीं है यह आपको पहचानना है। रेडियो नाटक असंख्य अदृश्य श्रोताओं को सुनाने के लिए लिखा जाता है, परिवेश की स्थापना ध्वनि प्रभावों द्वारा संभव होती है, पात्रों को अभिनेता अभिनेत्रियों के स्वर और बोलने के अंदाज से पहचाना जाता है, पात्रों की संख्या अधिक होती है। तो आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। इसके बाद यह किसी का स्टेटमेंट दिया हुआ है, बच्चन सिंह के अनुसार प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास को स्वयं हिंदी का बेहतरीन नावेल कहा है, बच्चन सिंह जी का स्टेटमेंट है, यह आपको देखना है। तो इस तरह आपको बड़े बड़े जो आलोचक हैं उनके स्टेटमेंट को भी ध्यान में रखना है, प्रेमाश्रम, गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि। इसके बाद जो अगला प्रश्न आया था वह है, नहीं पराग नहीं मधुर नहीं, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सो बंदियों आगे कौन हवाल, इस दोहे में कौन सा काव्य प्रयोजन है। तो यह प्रश्न है भारतीय काव्य शास्त्र का, व्यवहार का ज्ञान, कांता समित उपदेश, विपत्ति का निवारण और धन की प्राप्ति। जब हम आगे अध्ययन करेंगे तब मैं इन सब बातों को बताऊंगा, अभी मैं आपको सिर्फ यह बता रहा हूं कि आपके सिलेबस में जो शामिल किया गया है उन टॉपिक में से किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, इससे आपको परीक्षा का पूरा आइडिया मिल जाएगा, आपके दिमाग में एक नक्शा, एक खाका तैयार हो जाएगा और उस आधार पर आप अपनी तैयारी शुरू करेंगे या कर रहे होंगे। और इसके बाद जो 52वां प्रश्न है वह है, राहुल सांकृत्यायन की रचना जीवन यात्रा का प्रकाशन वर्ष है। अभी देखिए उन्होंने बहुत सारे यात्रा वृत्तांत लिखे हुए हैं, तो जीवन यात्रा हो सकता है उनकी जीवनी है कि संस्मरण है कि रेखाचित्र है, हमको बाद में देख लेंगे, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो जब भी आप यात्रा साहित्य, यात्रा वृत्तांत पढ़ रहे हैं, संस्मरण पढ़ रहे हैं, या फिर रेखाचित्र पढ़ रहे हैं, या फिर आत्मकथा पढ़ रहे हैं, या फिर कविता, कहानी, उपन्यास, जो भी पढ़ रहे हैं, प्रकाशन वर्ष आपको पता होना चाहिए, आपको याद करना है।
इसके बाद निम्नलिखित का सही अनुक्रम है, वर्ण, शब्द, पद, पदक्रम और वाक्य। भाषा विज्ञान से संबंधित है, हिंदी भाषा से संबंधित है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो इसका आपको सही ऑर्डर, सबसे पहले क्या बनता है, फिर बाद में क्या आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, यह आपको ध्यान में रखना है। प्रॉपर ऑर्डर में आपको अरेंज करना है इसको। इसके बाद फिर से जो 54वां जो प्रश्न है वह क्या है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन एक और कथन दो। तो एक कथन दिया गया है और कथन दो दिया गया है, इसमें क्या देखना है आपको, कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं, कथन एक और कथन दो दोनों गलत हैं, कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है, कथन एक गलत है लेकिन कथन दो सही है। तो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, दो स्टेटमेंट आपको दे दिए जाएंगे और आपको बताना है कि दोनों कथन सही है कि दोनों गलत है, कि एक गलत है एक सही है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसके बाद फिर से सूची मिलान करने के लिए आ गया। यह देखिए, यह सूची मिलान करने वाला जो प्रश्न है, यह राजभाषा हिंदी से संबंधित है, जो प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत आता है ना। अनुच्छेद 120 में किसका उल्लेख है, अनुच्छेद 210 में किसका उल्लेख है, अनुच्छेद 343 एक में किसका उल्लेख है, अनुच्छेद 345 में किसका उल्लेख है। इसको आप जमाना चाहें तो जमाना। अनुच्छेद 120 में क्या है, यह संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा, अनुच्छेद 210 विधानमंडलों में प्रयुक्त होने वाली भाषा है, अनुच्छेद 343 एक में यह बताया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी, और अनुच्छेद 345 में विभिन्न राज्यों की राजभाषाएं क्या होंगी, तो यह बताया गया। तो इस तरह आपको सूची को मिलान करना है। इसके बाद फिर से अगला प्रश्न है, वह भी अभिकथन ए और कारण आर। अभिकथन मतलब एसर्शन या स्टेटमेंट होता है और आर उसका कारण होता है। तो ये खाली प्रश्न का पैटर्न मैं आपको समझा रहा हूं, आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा ए और उसका कारण दे दिया जाएगा आर। अब आपको बताना है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। तो ये मैं बता चुका हूं ऊपर में, यहां पर भी वही है, अभिकथन ए और कारण आर। तो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, अभिकथन एक एसर्शन या फिर एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और उसका कारण दे दिया जाएगा आर, रीजन। इसके बाद नेक्स्ट है, सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सुखे जीवन में बरसो प्रभात हिमकण सा आंसू इस विश्व सदन में, उपरुक्त पंक्तियां किस कवि की है। तो किसी कवि की पंक्तियां दे दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि यह किस कवि की पंक्ति है, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो डायरेक्ट आपके डायरेक्ट प्रश्न है, आपको पंक्तियों को याद रखना है। इसके बाद पुनः वही प्रश्न है, कथन एक और कथन दो, ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं कि दो कथन आपको दे दिए जाएंगे, आपको देखना है कि कथन एक और कथन दो दोनों सही है, कथन एक और कथन दो दोनों गलत है, कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है, कथन एक गलत है लेकिन कथन दो सही है। तो ये आप धीरे धीरे आप प्रश्न पत्र का पैटर्न पूरी तरह से समझ रहे हैं। फिर से नीचे दिया गया है कथन एक और कथन दो, तो ये वही उसी प्रकार का प्रश्न है जिस पर हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं। तो मेरा मुख्य उद्देश्य आपको प्रश्न पत्र का पैटर्न समझाना है। अब ये देखिए, निम्नलिखित में से किस आलोचक ने हिंदी कहानी और उपन्यास का स्वतंत्र इतिहास लेखन किया है, मतलब हिंदी कहानी का इतिहास और हिंदी उपन्यास का इतिहास, नंद किशोर नवल, नलिन विलोचन शर्मा, गोपाल राय और कुमार विमल। तो ये आपको पढ़ना है। इसके बाद काल क्रमानुसार निम्न आचार्यों का सही क्रम है, प्रॉपर ऑर्डर में जमाना है आपको, भामा, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, भरत मुनि और वामन। तो इनको आपको जमाना है कि कौन सबसे पहले पैदा हुए थे, कौन उनके बाद में पैदा हुए थे, उनका समय काल क्या था, ठीक है। तो यहां पर आचार्य भरत मुनि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी तक इनका टाइम है, तो डायरेक्ट आपको उत्तर पता चल जाएगा, जहां भरत मुनि सबसे सीनियर है, इनमें सबसे पहले पैदा हुए थे, ठीक है। तो यह भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्न है, तो उनका जन्म काल को भी आपको ध्यान में रखना है, उनके जीवन काल को भी ध्यान में रखना है। इसके बाद सूची एक का सूची दो से मिलान कीजिए। अब इसको प्रॉपर ऑर्डर में जमाना है, लेफ्ट साइड में पूरे उपन्यास दिए गए हैं और दूसरे साइड में क्या दिया गया है, कौन से उपन्यास का पात्र कौन है। जैसे शेखर एक जीवनी के पात्र है शशि, ठीक है ना, और जिंदगी ये जो अब आपको पूरा देख लेना है, मैलांचल में कौन है, कमला है। तो इस प्रकार आपको देखना है, जिंदगी ना, ये लेफ्ट साइड में आपको उपन्यास और राइट साइड में उनका पात्र दिया जाएगा और उसको आपको जमाना है, ठीक है ना, आपको उसको मिलान करना है। शेखर एक जीवनी की नायिका थी शशि और मैलांचल की नायिका है, मैलांचल में है कमला करके पात्र है, और जिंदगी नामा में कौन है,
जिंदगी नामा में शाह जी हैं और गोदान में है मिर्जा खुर्शीद। तो ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे उतना क्लियर कट याद भी नहीं है, बाकी शशि और कमला तो वो तो याद है। इसके बाद नीचे दो कथन दिए गए, कथन एक और कथन दो, ठीक है ना। ये फिर वही आ गया कि दो स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे, कथन एक और कथन दो, और फिर दोनों में देखना है कि दोनों सही है कि दोनों गलत है, कि एक गलत है एक सही है, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। इसके बाद ये वाक्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, वाक्य के बारे में चार पांच स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि सही स्टेटमेंट क्या है वाक्य के बारे में। तो यह प्रश्न का पैटर्न है, ठीक है ना। यह मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इसको, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भीष्म सारणी ने अपने किस नाटक को ब्लैक कॉमेडी की संज्ञा दी है, तो यह तो हम पढ़ते पढ़ते हमको पता चलेगा कि भीष्म सारणी ने अपने किस नाटक को ब्लैक कॉमेडी कहा है। ये देखिए डायरेक्ट यहां पर डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है भारतीय काव्य शास्त्र से, अमंगल निवृत्ति किसका अंग माना जाता है, काव्य भेद, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु और काव्य के लक्षण। तो मेरे पुराने एपिसोड देखे होंगे तो बहुत आसानी से ये सब बन जाएंगे। इसके बाद देखिए नागरी टेली प्रिंटरों का प्रयोग करने वाली पहली समाचार समिति है, हिंदुस्तान समाचार, समाचार भारती, यूनिवार्ता, पीटीआई। तो यह आपका प्रयोजन मूलक हिंदी में संचार है ना, संचार माध्यम में जो हिंदी का प्रयोग करते हैं उससे संबंधित है, संचार माध्यम प्रयोजन मूलक हिंदी। इसके बाद है सूची एक का सूची दो से मिलान करना है, कामायनी किसकी कामायनी, मेघदूत, जयदोल और गांव के देवता, सूची एक से सूची दो को आपको मिलाना है। रेडियो रूपांतर, रेडियो रूपांतर की बात हो रही है, कामायनी का रेडियो रूपांतर किसने किया, मेघदूत का किसने किया, जयदोल को किसने किया और गांव के देवता का किसने रेडियो रूपांतर किया, रूपांतरकार का नाम राइट साइड में दिया है, तो सूची को मिलाना है। तो यह मीडिया से संबंधित है, आकाशवाणी वगैरह जो मीडिया होती है उससे संबंधित है। जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है, चंद्रबरदाई पहले पैदा हुए थे कि देवसेन, की खुसरो, की रैदास और जायसी, तो इन रचनाकारों का आपको जन्म काल को ध्यान में रखना है, ठीक है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित श्रृंखला की कड़ियां का प्रकाशन वर्ष क्या है, है ना, श्रृंखला की कड़ियां, तो ये जो संस्मरण या रेखा चित्र वगैरह होते हैं, तो उनका महादेवी वर्मा की यह रचना कब प्रकाशित हुई थी, यह आपको ध्यान में रखना है, आपको इस तरह से पढ़ना है। नीलकमल पद में कौन सा समास है, समास व्याकरण का सिलेबस से है यह, नीलकमल में कौन सा समास है, तो हम जब व्याकरण को पढ़ेंगे तब इसको याद भी करके रख लेना है, है ना, समास को ढंग से आपको समझना है। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी, तो अष्टछाप या भक्ति काल से संबंधित प्रश्न है, रामानंद ने की थी, वल्लभाचार्य जी ने की थी, कि रामानुजाचार्य जी ने की थी, कि विट्ठलनाथ जी ने की थी, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, अभी मैं इस पर उत्तर पर जोर नहीं दे रहा हूं। काव्य हेतु के अंतर्गत परिगणित प्रतिभा को और किस नाम से जाना जाता है, तो भारतीय काव्य शास्त्र का यह प्रश्न है, इसका प्रश्न है भारतीय काव्य शास्त्र का प्रश्न है, निपुणता, शक्ति, अभ्यास या समाधि, तो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। फिर से यहां सूची मिलाने वाला आ गया, सूची एक का सूची दो से मिलान करिए, श्रृंगार निर्णय, रसिकानंद, ललित ललाम, भाविलास, सभी रीति काल से संबंधित ग्रंथ हैं, इनको आपको मिलान करना है। इसके बाद देखिए आकाशवाणी के महत्वपूर्ण नाटक कार्यक्रम हवा महल का प्रसारण कब प्रारंभ हुआ, तो यह सब आपको आकाशवाणी से संबंधित बहुत प्रश्न आते हैं, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं नामवर सिंह, मैनेजर पांडे, रामविलास शर्मा, विद्यानिवास मिश्र, तो यह डायरेक्ट क्वेश्चन है आलोचना से संबंधित, तो डायरेक्ट आपको उत्तर इसको ध्यान में रखना है, आलोचकों के आलोचना ग्रंथ को। इसके बाद फिर से आ गया अभी कथन ए और कारण आर, ऊपर मैं इस पर चर्चा कर चुका हूं, इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, नीचे इसका कारण दे दिया जाएगा, आगे मैं चर्चा कर चुका हूं ऊपर में। इसके बाद शब्द शक्ति के अंतर्गत गौण शब्द का क्या तात्पर्य है, शब्द शक्ति के अंतर्गत गौण शब्द का क्या तात्पर्य, शब्द शक्ति आपके भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित है। इसके बाद है यहां पर भी कथन एक और कथन दो दे दिए गए हैं, इसमें वही देखना है कि दोनों कथन सही है कि दोनों गलत है, कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसके बाद यह बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर विज्ञापन किस उत्पाद का है, हीरो होंडा बाइक, बजाज स्कूटर, लूना मोपेड, वेस्पा स्कूटर, तो यह क्या है, यह प्रयोजन मूलक हिंदी जो उसकी भाषा होती है विज्ञापन की भाषा, यह आपको ध्यान में रखना है। तो जो करंट जो विज्ञापन जो चल रहे हैं टीवी पे या फिर रेडियो पर, इसको आपको ध्यान में रखना है, यह बहुत काम की चीज है, तो आप बिल्कुल एक लिस्ट बनाकर रख लीजिए, उसको याद कर लीजिए। इसके बाद नई कहानी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नई कहानी के बारे में पांच स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें पूछा गया है कि इसमें
सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए, कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। इसके बाद है शुक्ल जी के निबंध संग्रह विचार विधि का परिमार्जित संग्रह है। विचार विधि का परिमार्जित संग्रह कौन सा है? चिंतामणि, भाग एक, भाग दो, भाग तीन, भाग चार, ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य हमको यहां पर छांटना है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं और यह व्याकरण से संबंधित है, हिंदी व्याकरण। इसके बाद अंधा युग का प्रकाशन वर्ष है, अंधा युग धर्मवीर भारती का गीति नाट्य है, यह कब प्रकाशित हुआ था? प्रकाशन वर्ष आपको याद कर लेना है, ठीक है। अंधा युग बहुत प्रसिद्ध कृति है, गीति नाट्य। इसके बाद भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाड़ी के डिक्टेटर थे, यह कथन किस विद्वान का है? श्याम सुंदर दास, नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेन्द्र। तो आपको मालूम है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का बहुत फेमस स्टेटमेंट है, इसको आपको याद कर लेना है। इसके बाद है गीतावली की रचना तुलसीदास ने किस कवि से प्रभावित होकर की है? रामानंद, सूरदास, कबीर और नंददास। तो पढ़ते पढ़ते हम यहां तक पहुंचेंगे, भक्ति काल से संबंधित प्रश्न है। इसके बाद बूंद और समुद्र उपन्यास के रचनाकार हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसके रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसके बाद यह है वाक्य से संबंधित प्रश्न है, व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, संकेतार्थक, इसको सूची को मिलान करना है, सूची एक से सूची दो को मिलाना है वाक्यों में। संकेतार्थक वाक्य कौन सा है? निषेधात्मक वाक्य कौन सा है? आज्ञार्थक वाक्य कौन सा है? विधानार्थक वाक्य कौन सा है? ठीक है, इसको आपको सूची को मिलाना है, व्याकरण से संबंधित है वाक्य से। इसके बाद पुनः निबंध संबंधित निम्नलिखित कथनों में से उपयुक्त कथन है, कौन सा कथन एकदम उपयुक्त कथन है? पांच स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं और सबसे उपयुक्त उत्तर का आपको चयन करना है, ठीक है ना। पांच स्टेटमेंट दिए हैं, कौन कौन से सही हैं उसको आपको छांटना है। इसके बाद है यशपाल द्वारा लिखित निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो जब भी आप किसी उपन्यासकार के उपन्यास का अध्ययन करते हैं तो उनके प्रकाशन वर्ष को जरूर देख लें, तभी आप उनका सही ऑर्डर में जमा पाएंगे कि पहले दिव्या प्रकाशित हुई थी, कि दादा कॉम्रेड प्रकाशित हुआ था, कि अमिता, झूठा सच और देशद्रोही। तो जब भी आप जैसे मुंशी प्रेमचंद का आप पढ़ रहे हैं या किसी अन्य उपन्यासकार का पढ़ रहे हैं तो उनका जो प्रकाशन वर्ष है उसको आप हमेशा याद करें। निम्नलिखित में से निराला द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, तो निराला जी भी उपन्यास लिखे हैं बहुत सारा, अप्सरा, अलका, प्रभावती, इनके उपन्यास है, इरावती इनका उपन्यास नहीं है। तो यह, इसके बाद 93 जो प्रश्न है वह है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक है एसर्शन या फिर स्टेटमेंट ए और दूसरा है उसका कारण आर। अब इसमें वही है कि दोनों मैं बता चुका हूं कि आपको एक कथन दिया गया है, एक कारण दिया गया है, इसको आपको देखना है, ठीक है ना। तो ऊपर हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, ज्यादा वक्त आपका मैं नहीं लूंगा। इसके बाद अल्प प्राण वर्ण का चयन कीजिए, यह व्याकरण से संबंधित है, वर्ण से संबंधित है, अल्प प्राण, महाप्राण इस टाइप के जो होते हैं, ठीक है ना, स्वर और जो व्यंजन से संबंधित यह प्रश्न है, इस पर मैं ज्यादा जोर नहीं दूंगा, मैं आगे बढ़ता हूं, यह व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। इसके बाद आचार्य शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल की अवधि क्या है? आचार्य शुक्ल ने चार भागों में बांटा है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को, तो आधुनिक काल की अवधि क्या है यह हमको देखना है, ठीक है। इसके बाद है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को आप तो कम से कम एक बार पूरा पढ़ लीजिए, जीवन भर काम आएगा, उसके बिना आपका कोई एग्जाम निकलने वाला नहीं है। तो एक बार मैं बोलूंगा कि आप एक बार जरूर उसको पढ़ें फटाफट, बहुत बड़ी किताब नहीं है। इसके बाद पंडित सहल सत्य बखाड़न देह ही बुद्ध बसंत ज्ञाना, ये पंक्तियां किस कवि की है? ये आदिकालीन कवि है, अपभ्रंश या अवहट में लिखा गया, किस कवि? तो मतलब अपभ्रंशकालीन जो कविता है उसके भी स्टेटमेंट कविता की पंक्तियां यहां पर आई है। तो अपभ्रंशकालीन जो कविता है उसमें भी जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं उनको आपको ध्यान में रखना है, याद कर लेना है। इसके बाद ये मीडिया से संबंधित प्रश्न है, निम्नलिखित समाचार एजेंसियों के स्थापना वर्ष से संबंधित तथ्य है। UNI की स्थापना कब हुई थी? भाषा की, हिंदुस्तान समाचार, यूनिवार्ता, समाचार भारती। इनमें जो सही है उनका आपको चयन करना है, उपयुक्त विकल्पों का चयन करना है। इसके बाद है 98 जो 98वां प्रश्न है यह देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, कब कौन सी घटना हुई थी? देवकीनंद खत्री का उपन्यास चंद्रकांता प्रकाशित हुआ था, कब प्रकाशित हुआ था? पंडित युगल किशोर शुक्ला द्वारा उदंत मार्टन पत्र का संपादन प्रारंभ, श्रद्धाराम फिल्लौरी ने भाग्यवती नामक हिंदी उपन्यास लिखा, दादा साहब फाल्के द्वारा निर्मित मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र प्रदर्शित हुई, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया। तो जैसे यह 1903 में है तो यह कहां पर आएगा? तो इसको प्रॉपर ऑर्डर में आपको जमाना है।
कौन घटना पहले हुई और कौन घटना बाद में हुई, तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इसके बाद 99 वाला जो प्रश्न है वह पुनः वही है कि दो स्टेटमेंट दे दिए गए हैं, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू, कथन एक और कथन दो। इसमें आपको देखना है कि दोनों कथन सही है, कि दोनों गलत है, कि एक सही है एक गलत है, ठीक है। इसके बाद जो सवा प्रश्न है, बड़े खेत की बात है कि हम लोगों के लिए हिंदी में अभी तक इस ढंग की कोई पुस्तक नहीं लिखी गई जिसमें हमारी प्राचीन उन्नति अर्वाचीन अवनति का वर्णन भी हो और भविष्य के लिए प्रोत्साहन भी। उक्त कथन किस रचना की भूमिका का अंत है? चंद्रगुप्त, आषाढ़ का एक दिन, भारत भारती और संस्कृति के चार अध्याय। तो इस प्रकार एक स्टेटमेंट दे दिया गया है और आपको पूछा गया है कि किस रचना की भूमिका में यह बात लिखी गई है। तो यह प्रश्न पत्र का पैटर्न है, यह भली बात ही समझ गए होंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर का जो लिंक है, क्वेश्चन पेपर का जो लिंक है वह मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, मैं पिछले वीडियो में मैंने दो वीडियो में बना चुका हूं इस पर, और मैं कंटिन्यू इस पर लेक्चर सीरीज लेकर आपके लिए आने वाला हूं। तो यदि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाह रहे हैं तो मेरे साथ कंटिन्यू बने रहे, निश्चित रूप से आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। कुछ छात्र मेरे से पूछ रहे थे कि किस किताब का हम अध्ययन करें जिसमें अधिकतर चीजें इसमें से मिल जाए, है ना। मैं तो अपनी तरफ से भरसक प्रयास करूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका प्रयास है कि आप कितनी गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं। तो मैं किसी किताब, किसी ब्रांड को यहां पर एंडोर्स नहीं करूंगा, किसी किताब का मैं प्रचार नहीं करूंगा। फिर भी यदि आप एक अच्छी किताब पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, उसको जाकर आप देख सकते हैं और यदि अच्छा लगे तो आप खरीद सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं जितने भी यहां पर सिलेबस में जो भी यहां पर शामिल किया गया है उस पर मैं लेक्चर्स लेकर आऊंगा। और कुछ छात्रों का यह भी सुझाव था कि मैं वन लाइनर नोट्स लेकर आऊं, वन लाइनर या फिर डिस्क्रिप्टिव टाइप का यहां पर मतलब वो लेकर आऊं लेक्चर, तो मैं जरूर प्रयास करूंगा। तो पहले हम लोग डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ेंगे या वन लाइनर नोट्स लेकर आऊंगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर हल करेंगे, वैकल्पिक प्रश्न हम लोग बाद में देख लेंगे ऑब्जेक्टिव, तब आप इस प्रकार जैसा प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में। तो इस प्रकार हमको रणनीति बनाकर तैयारी करनी है और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में। मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल का प्रत्येक छात्र भारत के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रवेश ले, और आपकी सफलता ही मेरी सफलता है, आपकी उपलब्धि ही मेरी उपलब्धि है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और एक बात और कहना चाहूंगा, मैं मेरी वेबसाइट भी देखते रहे, मेरी दो वेबसाइट है, हिंदी शिखर और हिंदी अदब, उसमें भी बहुत ही हाई क्वालिटी का कंटेंट मैंने उसमें अपलोड किया हुआ है, उसको भी जाकर आप सब बहुत देखें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।